मैसेज करा रहे हैं बस मुझे पता था ना कुछ नहीं आता है बहुत ही भरोसा करता तुम लोग समझे तो m1 equal to क्या हो गया rho into pi r cube अगर मैं rho को हटा भी देंगे कोई फर्क ना पड़ने वाला है क्योंकि rho तो cancel out ही हो जाना है अभी देखना rho सारा का सारा cancel out हो जाएगा देख लीजिएगा यहां पर अभी cancel out हो जाएगा हां यानी तो इसको m मान लो rho into pi r cube को आप क्या मान लो m मान लो मानती है कोई प्रॉब्लम है अगर यानी m1 की मास हमने क्या माना है अब हम फाइंड करने के लिए m2 चाहिए तो m2 को क्या लिखेंगे m2 is equal to density density यानी कि घनत्व घनत्व बोले तो रो ठीक है और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा वो 4 इसका इसका वॉल्यूम क्या होता है हेमियस पे हेमियस मतलब h/4 4/3 पाई r स्क्वायर h पाई r क्यूब होता है कि इसका जब कंप्लीट फोर्स रहता है गोला का गोले का वॉल्यूम तो आधा गोला है पाई r क्यूब 2/3 हो जाएगा पूरा उसम पूरा गोला का क्या हो गया 4/3 पाई r क्यूब तो आधे गोले का क्या हो जाएगा उसका आधा होगा तो 2/3 पाई r क्यूब गो डाउन तो रो इनटू 2/3 पाई r क्यूब तो क्या हो जाएगा अब देखो इसको हम लिख देते हैं रो इनटू पाई r क्यूब को हमने m लिखा है तो 2/3 इनटू रो इनटू पाई r क्यूब को क्या लिख देंगे बहुत ही आराम से 2/3 हम लिखना कम पड़ेगा 2/3 हम लिख दे अब क्या हमें फाइंड करना अब हम जानते हैं कि अगर हमें y सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो y सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे m1 y1 ध्यान से देखते हैं m1 y1 plus m2 y2 upon m1 plus m2 ठीक है यहां तक समझ में आ रहा है अभी अब हम देखेंगे इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा ठीक है सबसे पहले सिंपल शंकु का सेंटर ऑफ मास कहां होगा मान लो यहां पर है ये क्या है y1 तो आप लोग को फार्मूला में रखवा दिया गया शंकु का सेंटर ऑफ मास h अपॉन 4 होता है तो y1 यहां पर क्या आ जाएगा h कितना है यहां पर 3r तो 3r अपॉन 4 ठीक है 3r अपॉन 4 कोई प्रॉब्लम और y2 कहां होगा इधर नीचे की तरफ होगा c2 कनिका समझ में आ रहा है क्या यस सर हो जाएगा y2 फार्मूला रटा यार पहले बता दिया गया कितना था 3r/8 तो यहां पर क्या लिख देंगे 3r/8 यही होता है ना ठीक है 3r/8 यहां रेडियस आ रहा है अब क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे वैल्यू पुट करने के लिए जाएंगे तो यहां पर लिखो y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 m1 कितना है m और y1 कितना है y1 कितना हो गया 3r/4 प्लस m2 कितना है 2m/3 और y2 कितना है 3r/8 लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो ओरिजिन से वो नीचे की तरफ है तो क्या लिखेंगे -3r/8 ठीक है और यहां पर क्या होगा दोनों को ऐड कर देंगे m plus 2/3m तो अब देखो यहां से क्या हो गया 3 से 3 कटा 4 से 4 कट गया कोई प्रॉब्लम है तो यहां पर हो गया y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3rm/4 प्लस ये कितना हो जाएगा r ये m rm/4 प्लस कितना हो जाएगा 5/3m एलसीएम लेंगे m plus 2/3m तो क्या हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5/3m ये क्या है 3rm plus rm तो क्या हो जाएगा 4rm/4 into 5m/3 तो कैंसिल ऑफ 4 से 4 कैंसिल हो गया m से m कैंसिल हो गया तो y सेंटर ऑफ मास कितना हो गया 3r/5 कोई प्रॉब्लम y सेंटर ऑफ मास कितना आ गया 3r/5 कोई डाउट है यानी इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0, 3r/5 सर ये m ये जो लिया था आपने अभी m2 तो सर इसका पाई कहां पर पाई पाई से पाई भी पाई तो है पाई तो आ रहा था ऊपर m2 जो आपने निकाला ये पाई का खत्म कर दिया कौन ये 2/3 πr³ ना 2/3 πr³ ये पाई देखो रो इनटू पाई आर क्यूब को एम माने हैं तो 2/3 इनटू रो इनटू पाई आर क्यूब को 2/3 एम कर दी मान लिया है हम आज देखो इसको माने नहीं अब इतना जो बराबर हम लिखते रो इनटू पाई आर क्यूब जो बार बार लिखते तो उसकी जगह पर हमने एक बार एम लिख दिया चलो फटाफट नोट डाउन कीजिए सर मेरे को बढ़ रहा है यार हां क्या सर ऊपर रहा है यार ऊपर एक बार नोट करो इसको तो आप लोग करिएगा आज साइट पे कराया था आज ही फिर कराया पोस्ट कर देना ये खोखला वाला नहीं है पोस्ट कर देना क्योंकि खोखला का जो एरिया होता है शंकु का वो
पता नहीं नहीं आ पाया ये में सर काटो दी सर हाँ इसको उससे ठोस को खोखला को मतलब एक नए सीरीज को नोट करो मैं तो तुम भी पूरे आदमी हो यार तो यही सब नोट करो मेरे समझ में आ रहा है चलो तुम्हारे समझ में आया बता दी तो यार मेरे पीछे के दो तीन को समझ में आया तुम भी बताओ फिर बदला हो तो तो हल्का हल्का नोट कर माथा मत रे अच्छा मैं सर पे कर लिया वो तो मुझसे पहले और भी कोई कह दे तो उसे तो मुझे करने सकता मेरा थोड़ा सा कुछ कुछ तो फिर से पकने धर रही है वो दिल तो कर रहा है यार वो आप तो फेंक पाएगा पता दिल को आ रहा है ये बात सबसे कहती है यार हम गरीब है भाई तो कर रहे हैं कुछ ठीक तो लगता है पता है रोम दे लगी रोम पता भाई कहाँ है रिलेट तो बात तो लिख गई पूरे यार हमारे रिश्तेदार हो गा रोम जिल तो सुना दू मिल हो गया नोट कर लिए सर ये फोन की फोर की बात करी क्या है एट टू है क्या कहाँ नहीं सेकंड लास्ट सेकंड लास्ट थ्री आर एंड फाइव फोर प्लस फोर इनटू फाइव सर आपने लिखा थ्री आर ओपन कहाँ ऊपर से ऊपर पार्ट आ थ्री आर एंड फाइव ऊपर से ऊपर ये किसे ऊपर सर आपने एम इनटू थ्री आर ओपन प्लस टू बाय टू एम बाय थ्री इनटू थ्री आर बाय थ्री कहाँ से आ गया सर नीचे वाला ऊपर से आया थ्री आर ओपन एट है सर हाँ एट को कैंसल आउट किया है ना ये टू कैंसल आउट किया फोर को अरे ये सब खुद से मैथ्स खुद से कैलकुलेशन करो अब ये कैलकुलेशन देखो अपना काम जो था यहाँ तक था हमने वैल्यू पुट किया खुद से कैलकुलेशन करो भाई वेट 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 कीजिए देखिए पूरे कैलकुलेशन में एक मिस्टेक हुआ यहाँ पर हमने माइनस लिखा था और इस माइनस को पूरा समाज भूल गया प्लस ही कर दिया समझे इस माइनस का हम लोग रियलाइज नहीं किया ठीक है किसी को ध्यान नहीं रहा ना तो हमें ध्यान रहा ना तो आप लोग को ध्यान रहा कल देंगे सर कुछ करना है नहीं यहाँ पर माइनस आ जाएगा ठीक है अब ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इधर देख कड़िका समझे ये सिर्फ माइनस चेंज करना है लास्ट लास्ट लाइन ही होगा
देखो यहाँ पर जो हम माइनस लिखे थे तो काट करके ये माइनस के ऊपर नजर ही नहीं पड़ा, ये माइनस छोटा चला गया। जेपी ध्यान दीजिए इधर, ये माइनस जो है छोटा चला गया, लेकिन अब क्या किया ये माइनस की वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा। तो 3rm by 4 minus rm by 4, 3 minus rm क्या हो गया 3, तो ये क्या हो जाएगा 2rm by 4, देख लो कैलकुलेशन, into 5 by 3, जो यहाँ by नीचे जो 3 लिख रहे थे कोई, वो क्या हो जाएगा 3 by m, तो m से m cancel out हो गया, ये 2 से 2 cancel out हो गया, तो क्या हो जाएगा 3r by 10, नहीं 3r by 10, वही तो 2 into 5, 3r by 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3r/10। देखो एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए हमारे पास दो स्ट्रक्चर दिए हुए, यहाँ देखो एक क्या दिया हुआ है ठोस शंकु दिया हुआ और एक ठोस स्फीयर दिया हुआ, हाफ स्फीयर हेवी स्फीयर। तो हमें पता है कि जब अलग अलग टाइप के बॉडीज को हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, दोनों का पहले सेंटर ऑफ मास अपना लिख लेते हैं कहाँ पर है। हमें पता है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, क्यों, क्योंकि हमें रखवाया गया हुआ है पहले से। इसका भी पता है कि हम सेंटर ऑफ मास कहां पर है, ठीक है, दोनों का आइडिया है, आप दोनों का पहले से हमें पता नहीं, एक लाइन में जो दोनों, हाँ जो हाँ वो तो एक ही सिमेट्रिकल है तो एक ही लाइन पर होगा। फिर हम क्या करेंगे, इसका मास फाइंड कर लेंगे, m1 इज इक्वल टू क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो शंकु का वॉल्यूम लिख दिया m1 1/3 पाई r क्यूब इनटू हाइट 3r, 3 से 3 कैंसिल, रो इनटू पाई r क्यूब, इसको हमने m मान लिया। हम अगर नहीं भी मानते तब भी चलते, हमें बार बार रो इंटू पाई आर क्यूब लिखना पड़ता तो उसके जगह हम एम कह दिए। हमने इसका जो वॉल्यूम निकाला तो ये होता 2/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, तो यहाँ पर रो इंटू 2/3 पाई आर क्यूब है, तो रो इंटू पाई आर क्यूब को हमने एम मान रखा है, तो यहाँ पर 2/3 एम लिख दिए, कोई प्रॉब्लम। अब सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला देखो, ये तो इसी लाइन पर होगा क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ तक, तो अब इसी लाइन पर होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो xcm तो जीरो हो गया, तो फाइंड करेंगे ycm, तो ycm फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा m1 y1 plus m2 y2 upon m1 plus m2, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा m1 क्या हो जाएगा m और y1 क्या होगा, यहां से देखो कितना ऊपर है 3r by 4 लिख दिए, सही 3r by 4 बस आ गया, देखो h by 4 होता है शंकु का, h by 4 होता है नीचे की तरफ y2, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला प्रूव कर दूं, m1 y1 plus m2 y2 upon m1 plus m2 n into 3r by 4 लिख दिए y1 की जगह पर, और इसको क्या लिखें m2 को क्या कितना लिखा है हमने 2m by 3, 2m by 3 हो गया और into minus 3r by 8 हो गया, ठीक है, नीचे की तरफ और बाकी तो उधर मैथ्स है। एक बार तो नाम हमें पता नहीं, एक बार एक पेपर दीजिए कोई, हमें व्हाइट पेपर दीजिए कोई, मैं तो बस सबका नाम लिखूं, तो अभी तक नाम ही नहीं पता है किसका नाम क्या है। इसको नोट कीजिए, जुल्फिकार की वस्तु, ये बस स्पेलिंग बता दो जी सर, जुल्फिकार का ये स्पेलिंग बताओ, Z-U-L-F-E-K-A-R, ठीक है। उधर क्या है जगत, आपका नाम क्या होगा, प्रशांत, राइटिंग बहुत अच्छी है आपकी, बहुत बहुत सर, फहीम है, फहीम शुएब ने जाओ, शुएब ने जाओ, शुएब S-H-U-A-I-D UAID हो गया, देखो जुल्फिकार थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो गया,
जैसे मैं बचपन में था दादाजी लिखने के लिए बोलते थे लिखो सच्चिदानंद, अब भाई सच्चिदानंद लिखने में मेरी हालत खराब हो, हमेशा मार का तो सिस्टमैटिक फिट होता है उनको, जब भी गुस्सा आए बोले लिखने के लिए बैठो लिखो सच्चिदानंद, तो एक ही बड़े इसी तरह का नाम होता है मतलब, जैसे दादाजी लोग है इसी तरह का ये था, एक बार और मैं बार बार ना लिख पाऊँ, बार बार डांट सुनू बस मौका मिल गया, चलो कोई बात नहीं है। अरे ऐसे नहीं, जैसे होता है ना, जैसे संस्कृत का जैसे जैसे आपको संस्कृत के टिपिकल में जाइएगा बहुत टिपिकल आएगा, जैसे आप अरबी लैंग्वेज के ये में जाइएगा तो आपको हालत खराब हो जाएगी, एक ही दिन में एक ही समय एक ही बार और उसमें टेढ़े बीच की भी हो गया, आप क्या है आपका नाम रहता है, आपका नाम जो रहता तो पहले तो कुत्तों का नाम हुआ करता। सही कह रहे हो, चलो ठीक है यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब देखो सेकंड टाइप के क्वेश्चन के ऊपर कड़ी का ध्यान दीजिएगा, अब ये बताना है कि किसी एक बॉडी से हम क्या करते हैं उसके कुछ पार्ट को हम बाहर निकालते हैं, तो लिखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ, गलत क्वेश्चन, हाँ नहीं टॉपिक है किसी पर क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन ही मान लीजिए सेंटर ऑफ मास ऑफ सब्ट्रैक्टेड बॉडीज, सब्ट्रैक्टेड बॉडीज हिंदी में इसे लिख देंगे खंडित वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र, सब्ट्रैक्टिव है सर क्या, सब्ट्रैक्टेड यानी उससे निकाल लेना, उसे सब्ट्रैक्ट करना, हटाना, सब्ट्रैक्ट करना, एसयूवी सब्ट्रैक्टेड बॉडीज वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र। अब बताइए हिंदी वाले कौन सा आसान लग रहा है, बांग्लादेश इंग्लिश, पर मतलब दोनों को ध्यान में रखते जाना, खंडित वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र। अब देखो ये क्वेश्चन इसमें जो बेसिकली आता है उस पर ध्यान दो, अब आपको ये अक्सर हमेशा एग्जाम में आपको देखने का मिल जाएगा, देखने को मिलेगा, ये देखो ये डिस्क है ठीक है, चकती, ये चकती है जिसका रेडियस कितना है आर, चकती जिसे कहेंगे डिस्क, डिस्क ठीक है, डिस्क है जिसका रेडियस आर है, इसका सेंटर ऑफ मास हर किसी को पता है कि यहां पर है इसका सेंटर ऑफ मास ठीक है, सेंटर, अब भाई अब डिस्क का चकती का सेंटर ऑफ मास वही रहता है समझे, अब क्या करते हैं, अब यहां से हमने एक डिस्क काट छोटा वाला काट करके निकाल लेंगे ठीक है, इतना हमने इस पार्ट को क्या किया, हमने काट करके बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, इसको हमने रिमूव कर दिया, तो आप जो रिमेनिंग पार्ट है जो बचा हुआ पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास बताओ सर, इसको पूरे का निकालने मान सर कैसे, हाँ तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये बना कैसे है ये देखना है, ये जो फॉर्मेशन हुआ ये खाली पार्ट है ठीक है, रिमूव कर दिए उसको, तो ये बना कैसे है वो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या था, बड़ा बड़ा वाला डिस्क था, बड़ा वाला डिस्क था रेडियस का, उसमें से हमने किसे हटा दिया, छोटे को, छोटे पार्ट को निकाल दिया, छोटे वाले पार्ट का जिसका रेडियस क्या रहेगा आर बाय टू, क्योंकि भाई देखो यहाँ सेंटर है और ये बाहर, मतलब जो भी रहेगा आपको दिया हुआ रहेगा ए बी सी जेड जो भी, यहाँ पर जनरल क्वेश्चन में जो ये रहता है कितना है ये, अगर ये पूरा कंप्लीट आ रहा है तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका आर बाय टू ठीक है, ये सी हो गया, ये सी वन हो गया और ये क्या हो गया सी टू ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे देखो, उस सब पिछले क्वेश्चन में क्या था जुड़ा हुआ था, तो एम वन बाई वन प्लस एम टू बाई टू लिख दिए थे, यहाँ पर क्या है ये जो हमारा कंप्लीट मास है एम वन उसमें से हमने किसे हटा दिया एम टू को, तो अब जो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ठीक है, इसका जो अब सेंटर ऑफ मास होगा वो हो जाएगा एक्स सी एम या वाई सी एम जो भी, आर सी एम इज इक्वल टू एम वन, देखो जो भी मास होगा आर सी एम इज इक्वल टू एम वन आर वन माइनस एम टू आर टू अपॉन एम वन माइनस एम टू, अब आर की जगह पर एक्स लिखना है एक्स लिखो, वाई लिखना है वाई लिखो, जिस हिसाब से जो आएगा उसको लिखेंगे, जैसे अगर x c m फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे m1 x1 minus m2 x2 upon m1 minus m2 ठीक है,
अब वही क्या हो गया, अगर फॉर 2D, अगर टू डायमेंशनल बॉडी है, टू डायमेंशनल बॉडी यानी एक जो डिस्क में है, डिस्क टाइप का है, M1 A1 X1 कोई बात नहीं है, दिमाग खराब कम से कम नहीं, इतना दिमाग में तो है कि ऐसा होगा, ठीक है, आप लोग तो भी हंस रहे सिर्फ, तो XCUM क्या लिखेंगे, A1 X1 - A2 X2 / A1 - A2 ठीक है, ठीक है, यहाँ तक देखिए ये फॉर्मूला होगा। अब आप लोग जो है 2 से 3 मिनट का टाइम लेकर के पहले कि इसको बकायदा इज्जत के साथ नोट डाउन कीजिए, ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद सॉल्व करके इसको आप लोग अगर आंसर निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, नहीं तो मैं तो निकालूंगा ही निकालूंगा, और तो लेकिन हम मैं कोशिश करता हूँ निकालिए, देखिए क्योंकि अभी अभी हमने एडिशन का किया है तो अब सब्ट्रैक्शन का निकालिए, ऊपर से फॉर्मूला एरिया बता दिया, निकालिए देखिए, ठीक है, सबसे बुरा सब्जेक्ट मेरे जिंदगी में है, इसने हमारे 20-10 साल तक स्केप किया, बहुत बच्चे भी हैं, बहुत बुरी बात है, हैं 10 वर्ष में बहुत बुरी बात, क्या कितना कितना है सुन में ना आज पीछे जो लगा कितना किया है सवाल मजा नहीं कर रहा शाम जल्दी लाइक कर दी करना देर लग रही है शक्ति का थोड़ी देर था शक्ति का देर था लास्ट टॉपिक इज मतलब इसका चैप्टर का चैप्टर
उसके बाद दूसरा आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर अगर टेस्ट हुआ तो किस टाइप से लेंगे इसको, ये अलग पॉइंट आ गया चैप्टर में? नहीं, ये तो चैप्टर में आएगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में। चैप्टर में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आएगा। अभी तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बहुत ही लंबा खींचेगा, ये जो टॉपिक्स आप लोग चल रहे हैं। अच्छा, आसान लग रहा है ना जो टॉपिक जो भी अभी तक चला है वो आसान लगा है या नहीं लगा? पर आप लोग के ध्यान के लिए बात बता दूं, अभी जिस जगह जो टॉपिक से आप लोग चल रहे हैं वो मैकेनिक्स नाम है उसका, ठीक है? मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स नाम है। और ये सबसे टफेस्ट पोर्शन में अगर आप लोग सुने होंगे ये पता चला होगा, बोला जाता है नीट के बच्चों को कितना भी मैकेनिक्स पढ़ा लीजिए उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत ही गलत है। सर ये तो लग रहा है सबसे इजी कौन सा है? सबसे ये मेरे टफ लग रहा है ये वाला। ये इजी है, जब इससे चार पांच क्वेश्चन अगर इसके ऊपर आप सॉल्व कर लीजिएगा ना, इससे पहला वाला भी हुआ, ये वाला जो चल रहा है। अरे इजी, एक बार आप सर ये कॉन्सेप्ट पर बात किया, कोई नहीं सारे चैप्टर यहाँ के फिजिक्स हम का। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने क्या, ये टू डायमेंशनल बॉडी है, देखो टू डायमेंशनल बॉडी है तो मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये इसमें पहले सिमेट्री देखते हैं, हमें देख करके पता चल रहा है कि इस लाइन की अबाउट सिमेट्री कर रहा है या नहीं है? तो जो भी एक्सिस होगा यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसी के ऊपर होगा। सामने से ही ना, सिंपल समझने वाली बात है। तो उसी तरह इसको हम ऐसे करके काटेंगे तभी तो ये सिमेट्रिकल, जो शेप का इधर है वही शेप का इधर है, ठीक है? तो अब देखो ये इसी लाइन पर होगा तो इसको हम मान देते हैं x और इसके परपेंडिकुलर इधर क्या होगा y, तो अब x इसी लाइन पर होना है। यस सर, तो ये हो गया पहले वाले का, पहले वाले का सेंटर ऑफ मास यहां पर ओरिजिन, और दूसरे वाले का क्या हो गया सेंटर ऑफ मास यहां पर। पहले वाले और ओरिजिन भी कहां है, पहले वाले पर ही है, ठीक है? तो हमें यहां से क्या पता चला? हां बोलो। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो यहां पर देखो पहले वाले के x1 इक्वल टू क्या है, 0 0 यस सर, और x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है r by 2, तो x2 is equal to r by 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका सेंटर है, इसका जो परिधि है वहां से केंद्र के बीच की दूरी कितनी होती है r by 2 होती है, मतलब रेडियस, रेडियस होता है यहां पर, रेडियस कितना r by 2। तो प्रॉब्लम यहां तक, अब हम फार्मूला क्या जानते हैं, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, ये फार्मूला जानते हैं, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2d है a1 x बताओ सर, तुम अपना जैक उठाओ गाल से, ठीक है? अब आराम से बैठो, a1 x1 minus a2 x2 upon a1 minus a2 लिख देंगे। a1 ये वाला है, इसी में से हमने a2 इसको निकाल दिया, तो मैं बता दो इसका एरिया क्या हो जाएगा, a1 is equal to बता दो एरिया क्या होगा इसका। सर कंप्लीट हो गया पाई आर एरिया, हां इस डिस्क का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है? और ये छोटे वाले का एरिया क्या हो जाएगा, पाई r by 2 का स्क्वायर, तो इसका रेडियस क्या r by 2, तो ये क्या हो जाएगा a2 is equal to pi r square by 4। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, ठीक है? अब यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर x center of mass is equal to क्या हो जाएगा, a1, a1 कितना है pi r square, और x1 कितना है 0 0 0 minus a2 कितना है pi r square by 4, pi r square 4, x2 कितना है x2 r by 2, r by 2, और ये क्या हो जाएगा a1 pi r square minus pi r square by 4, तो ये कितना हो गया x, ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया pi r cube upon 8, कोई प्रॉब्लम है? और ये कितना हो गया pi r square minus pi r square by 4, 3 pi r square, और ऊपर लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम? पाई आर स्क्वायर कैंसिल को यहां आर बचा, ठीक है आ गया, पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर का 4 माइनस की तो आ गया 3 पाई आर स्क्वायर, सही तो 4 बढ़ जा रहा है, तो अब 4 तो ऊपर चल गया, जो यहां 4 नीचे था उसको ऊपर लिख दिया, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है? यहां पर देखो xcm इक्वल टू क्या लिखें, 0 माइनस
पाई आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन ए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पर इसका एलसीएम खोल ले लिए, यहाँ पर क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इसमें कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, कहीं इधर जगह है तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्ससीएम इक्वल टू, क्या लिख देंगे ये 0, इसको लिख देंगे पाई आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन ए, कोई प्रॉब्लम है? यहाँ से क्या होगा 4 पाई स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, क्या लिख देंगे 3 पाई आर स्क्वायर, पर नीचे में 4 आ रहा है उसको ऊपर लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 दुना 8 हो गया, x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो गया -r/6 हो गया।